हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा पुलिस का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, आपको क्या क्या लेके जाना था। तो दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो बायोमेट्रिक के लिए हमको बुलाया गया था 24 अक्टूबर 2024 को, वेचर स्टेडियम मधुबन करनाल के अंदर बुलाया गया था। तो दोस्तों, उसके अंदर हमको डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए, और एडमिट कार्ड जो आपका रिटर्न एग्जाम था उसके अंदर, जो जिसके अंदर आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो लेके जाना था। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे बच्चों को, जैसे कैंडिडेट है जो जिन्होंने भी हरियाणा पुलिस का पेपर पास कर रखा है, उनको पुलिस लाइन में रखा गया था। तो सभी बच्चे वहाँ पर जैसे पुलिस लाइन के द्वारा ही जो भेजी गई बसें थी, उन पुलिस की जो बसें थी उनमें आए थे, दूर दूर से, जहाँ पर भी जिनका डिस्ट्रिक्ट दे रखा था। मैट्रिक के लिए जैसे ही आप वहाँ पर आए थे, तो अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कितने बच्चे वहाँ पर आए थे, क्योंकि एक ही दिन में सभी का बायोमेट्रिक होने वाला था। कि हम वहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए गए थे, वहाँ पर टेबल बनी हुई थी अलग अलग, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग टेबल बनाई हुई थी। वाइज उनके नंबर लिखे हुए थे कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट में, आपका इस डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक होएगा। तो वहीं पर जैसे मधुबन वेंचर स्टेडियम के बाहर ही वहाँ पर टेबल बनाई हुई थी, वहाँ से अपने टेबल के पास जाएंगे जहाँ पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर एक टेबल नंबर लिखा हुआ था। तो जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले उसमें जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस होएंगी, वहाँ पर आपके साइन होंगे। साइन होने के बाद दोस्तों, आपको जैसे लिस्ट बनेगी वहाँ पर, 1 2 3 ऐसे लिस्ट बनेगी। तो उसमें जैसे एक लिस्ट में 20 20 बच्चों को अंदर ले जाया जा रहा था बायोमेट्रिक के लिए। तो दोस्तों, वहाँ से रैंक वाइज बच्चों को लेके जा रहे थे, उनको बायोमेट्रिक करवा रहे थे। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक के अंदर जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर करेंगे, सबसे पहले तो आपके वहाँ पर, तो दोस्तों जैसे ही आप स्टेडियम के अंदर बायोमेट्रिक करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होएगा। उसके बाद आपका रैंक लिख के जाएंगे, वहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों, आपको अंदर की तरफ भेज दिया जाएगा स्टेडियम के अंदर। वहाँ पर आपका 3 जगह पर जो है वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर आपके थंब और फोटो जो है चेक की जाएगी, लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन चेक किया जाएगा दोस्तों वहाँ पर, और आपका जो फोटो है उसको चेक किया जाएगा। अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं होती है, थंब मैच नहीं होता, तो आपको दोबारा से बायोमेट्रिक के लिए थोड़ी देर बाद वहीं पर लाइन में लगाना पड़ेगा, और दोबारा से चेकिंग होगी आपकी। तो दोस्तों, ये था पूरा पूरा बायोमेट्रिक का प्रोसेस, आप देख भी सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक में सिर्फ थंब इंप्रेशन चेक करने के लिए वहाँ पर रख दिए, जो जिसने पेपर दिया है कि वही लड़का है कि नहीं है, और वही फ़ोटो है कि नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे अपनी जगह पर किसी दूसरे को भेज देते हैं, इसलिए दोस्तों बायोमेट्रिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक होने के बाद सभी को अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट थे वहाँ पर वापस से भेज दिया गया था। एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।